हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई ये है अपनी एक्सट्रीम 125R। आप सभी लोगों को पता होगा कि इसकी फर्स्ट सर्विस हमने करवा ली है, महीना भर हो चुका है हमें बाइक को परचेज़ किए हुए। तो महीने भर बाद बाइक की टॉप स्पीड क्या रहने वाली है वो चीज़ चेक करना भी भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि हमारी बाइक चल कितना गई है। तो भाई अभी आप देखिए, फिक्स 900 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। और अभी इसकी टॉप स्पीड में कुछ फ़र्क आया है क्या पहले के कंपैरिजन में, वो चीज़ देख लेते हैं भाई। तो करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट, और हाईवे पे तो है ही अपन, कर लेते हैं अपनी टॉप स्पीड को चेक। चली गई है भाई 100+। और भाई यहाँ पे है रोड ब्लॉक, 108 गई थी और रोड ब्लॉक पड़ा है भाई यहाँ पे। अभी गियर डाउन करके वापस भगाते हैं भाई। चल रही है 110, थोड़ी चढ़ाई आ गई है भाई। 111, क्या चक्कर है भाई, जंप ही करती रहेगी या भगेगी भी। 112, 115, 115 गई थी भाई अभी। 115 से ऊपर तो नहीं जा पाई है, 115 गई है। दूसरी वाली साइड में भी ट्राई करेंगे। देखो 1-2 की स्पीड का ऊपर नीचे हो सकता है, अगर कोई भी ट्राई करेगा तो 115 की बजाय 113 या 117 भी हो सकती है। अभी हम रोड के दूसरी वाली साइड में जाके भी दोबारा से ट्राई कर लेते हैं कितना जाने वाली है ये बाइक दूसरी वाली साइड में। तो भाई अभी हम रोड के दूसरी वाली साइड में आ गए हैं, और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं एक बार कितना जाएगी, क्योंकि एक साइड का विंड ब्लास्ट अगर होगा तो दूसरी साइड में ज़्यादा पकड़ जाएगी। 109 चल रही है भाई, 110, 112 गई थी आई थिंक से। मीटर पे थोड़ा ध्यान नहीं था मेरा, क्योंकि बीच बीच में रोड खराब है तो उसका ध्यान देना जरूरी है भाई। 113 गई है, और आई डोंट थिंक इसी ज्यादा जाएगी, तो इस साइड में थोड़ा सा विंड ब्लास्ट ज्यादा होगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि 2-4 की स्पीड ऊपर नीचे हो जाती है, तो
वो तो ठीक है यार, 115 एवरेज स्पीड, टॉप स्पीड मान के चल सकते हो आप इसकी। कुछ कुछ वीडियोस में कुछ लोगों ने ये भी दिखाया हुआ है कि 120 गई है ये बाइक, लेकिन उस जगह वो नहीं दिखाया गया कि वहाँ स्लिप स्ट्रीमिंग का यूज़ करके भाई बाइक को भगाया गया है। मैं कोई स्लिप स्ट्रीमिंग का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट बाइक को चला रहा हूँ। तो उस टाइम पे भाई 115, 116, 117 तक शायद मैक्स जा सकती है, उससे ऊपर आई डोंट थिंक कि ये जाएगी। बाकी परफॉर्मेंस ठीक लग रही है यार बाइक की मुझे। और इस बाइक से रिलेटेड कोई और क्वेरीज हो आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के मन में कोई और सवाल हो तो वो चीज़ मुझे कमेंट करके पूछ लेना, वो चीज़ भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। बाकी ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।